पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ और समाज का आईना बताया जाता है, जो समाज और शासन के बीच सेतु की भूमिका निभाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। लेकिन वर्तमान में पत्रकारिता की आड़ में अब इसे अवैध वसूली कर कलम की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। ऐसी वसूलीबाज और फर्जी पत्रकारों को सबक सिखाने के लिए विदिशा जिले के सिरोंज में एक समाजसेवी ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से शहर के कई युवक पत्रकारिता में उतर रहे हैं, हालांकि उन्हें पत्रकारिता का जरा भी अनुभव नहीं है। हर गली मोहल्ले यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फर्जी पत्रकार अपनी धौंस जमाते दिखाई दे रहे हैं। यह कहना है सिरोंज के समाजसेवी राहुल त्यागी का। उन्होंने आरोप लगाए कि सिरोंज में फर्जी पत्रकार ईमानदार पत्रकारों की छवि खराब कर रहे हैं, जिससे पत्रकारिता क्षेत्र में विपरीत असर पड़ रहा है। कुछ पत्रकार सिरोंज में पत्रकारिता सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उससे रोजी रोटी चलाई जा सके, जो कि मैं समझता हूं पत्रकारिता को एक अच्छे ढंग से देखने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बुरी बात है ये। आज उन कुछ छोटे छोटे पत्रकारों के कारण शहर में जो अच्छे पत्रकार हैं, सक्षम पत्रकार हैं, जो सिर्फ पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन सब की छवि खराब हो रही है, उन सब की इमेज खराब हो रही है। शहर में पत्रकारों को लेकर एक अजीब सा माहौल कायम हो रहा है। जो पहले लोग पुलिस से डरते थे, आज वो पत्रकारों के कान खौफ खाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो न्यूज़ लगा देंगे, इसलिए कि वो अड़ीबाजी करेंगे, इसलिए कि वो पैसे मांगेंगे। शहर में इस समय पत्रकारों की बहार आई हुई है। एक 25-50 रुपये खर्च करते हैं, चैनल का माइक ले आते हैं और अधिकारियों पे और जनप्रतिनिधियों पे लगातार दबाव बनाते हैं। और मैंने ये पोस्ट सिर्फ इसलिए डाली है कि आने वाली 15 अगस्त तक को ये सभी पत्रकार एकजुट होकर सभी सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को, विभाग प्रमुखों पे इस प्रकार दबाव बनाते हैं। संविधान ने लिख रखा हो कि आपको पैसा देना ही देना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से, अधिकारियों से और सरपंचों से, सचिवों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐड या विज्ञापन ना दें जिसका कि रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा बनाए नियमों के अंतर्गत ना हो। आज अगर हम इन लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो ये कभी भी आगे बढ़ के हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष रोहितार शर्मा ने चिंता जताई है। उन्होंने फर्जी पत्रकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग स्वयं ही पत्रकारिता क्षेत्र से अलग हो जाए, नहीं तो उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि पत्रकार मतलब समाज का दर्पण, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, उसकी कोई भी एक्टिविटी, उसका कोई भी कदम समाज में, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है कि जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो वो लोग इस क्षेत्र में उतर के और जो अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, बगैर तथ्यों के, बगैर किसी खबर को पुष्टि किए बगैर चला देते हैं, उच्चारण सही नहीं होते, जिससे सारे पत्र लिख नहीं पाते सही, बहुत त्रुटिपूर्ण लिखते हैं, तो जिससे क्या है कि सभी पत्रकारों की छवि धूमिल होती है। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो या तो वो पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा अपने अंदर स्किल डेवलप करें, तो स्किल डेवलपमेंट से क्या है, अगर आपको ये क्षेत्र पसंद है तो आप इसमें काम कर सकते हैं। जिसको इलाज करना नहीं आता वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? तो मेरा मानना ये है कि ये लोग खुद ही चले जाएं यहाँ से, बगैर इनको अपमानित होने से, लोग अपमानित कर रहे हैं तो बेकार में घर बैठे अपमानित हो रहे हैं, तो इनको चाहिए कि खुद ही इस चीज़ को छोड़ दें या फिर अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करें। जहाँ तक फर्जी पत्रकारों की बात है तो ये बहुत बड़ा एक इशू है पूरे भारतवर्ष में। ये है कि बहुत सारे अब ऐसे चैनल आ गए हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, लोग अपने खुद के बना के शुरू कर लेते हैं, तो वो कहीं उचित नहीं है और ना ही उनको केंद्र सरकार से या किसी राज्य सरकार से उन्हें कोई मान्यता प्राप्त। अच्छा, दूसरी बात विज्ञापनों बात आ रही थी कि विज्ञापन मांगते हैं अड़ी, तो पत्रकारिता में अड़ीबाजी करना कतई उचित नहीं है। वहीं शहर के वरिष्ठ पत्रकार सैयद खान ने बताया कि इस विषय पर हम पहले भी प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। फर्जी पत्रकार पत्रकारिता जगत को बदनाम कर रहे हैं, आए दिन अवैध वसूली और लोगों को परेशान करने की शिकायतें मिलती है। हमने भी समय समय पर इन सारी बातों को लेकर प्रशासन को भी अवगत कराया है कि शहर में काफ़ी संख्या में इस टाइप के पत्रकार घूम रहे हैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की पत्रकारिता को ख़राब करते हैं
और उस पत्रकारिता उनकी जगह जगह घूमने से और आड़ीबाजी से पत्रकारिता ख़राब होती है, वो सभी फिर उसमें आते हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर हम सब मिलके, और अगर जहाँ भी जिस इस तरीके से आड़ीबाजी डालते हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। उसके लिए हम सहमत हैं, क्योंकि हम भी प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। क्या है कि मतलब फर्जी आईडी बना के ले जाएंगे, किसी भी अधिकारी के यहाँ घुस जाएंगे, कोई भी रजिस्टर चेक करने लगेंगे या कुछ करने लगेंगे, तो उससे बदनामी होती है। अब देखना यह है कि पत्रकार और प्रशासन मिलकर इन फर्जी पत्रकारों पर किस तरह नकेल कस पाता है या नहीं, या फिर यूं ही लोग इन फर्जी पत्रकारों के झांसे में आते रहेंगे। समय रहते अगर फर्जी पत्रकारों के गिरोहों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये स्थिति आगे और दयनीय हो सकती है और पत्रकारिता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन और पत्रकार संघ को मिलकर आगे कोई रणनीति बनाना चाहिए, जिससे कि पत्रकारिता बदनाम होने से बच सके। सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और सचिवों को और शिक्षकों को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सरकारी निर्माण कार्यों को रहने वाले ठेकेदारों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। फर्जी पत्रकार अपनी पत्रकारिता की धौंस दिखाते हुए इन सबसे पैसे ऐंठते हैं, पैसे न देने की कंडीशन में एक तरफा खबर लगाई जाती है। हालांकि खबर में किसी तरीके की कोई सरकारी अधिकारियों की पुष्टि नहीं होती है, एक तरफा खबर लगाकर उनको बदनाम किया जाता है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर इन दोनों एक हाहाकार मचा हुआ है। अब देखना यह है कि पत्रकार संगठन इन फर्जी पत्रकारों के लिए क्या एक्शन लेते हैं। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।